नमस्कार, प्रथम खबर को स्वागत करछु मु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर सरगरम राजनीतिक माहौल। पूर्वाह्न 10:00 रु अपराह्न 5:00 जाए हेबो वोट ग्रहण। एनडीए रो प्रार्थी जगदीप धनगर और विरोधी दल प्रार्थी मार्गरेट अल्वांग मध्यरे टक्कर। आसुच्छ बड़ वर्षा, सप्ताह मध्यरे उपकूल मुहां हेब दुई लघुचाप। काली सुधा लघुचाप्र रूप नेब। बंगोपसागर में सृष्ट घूर्णिबलय तीन दिन धरी प्रबल बर्षिब। राम मंदिर भूमि पूजन दिन में काहीकि विक्षोभ। कांग्रेस विक्षोभ को नहीं बर्षिंट केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। कला पोशाक विक्षोभ कर कौन संदेश देवाक चाहती कांग्रेस। योगी कहिले कांग्रेस करी राम भक्त को अपमान। आज तीन दिनिया दिल्ली गस्तर जी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव जातीय कमिटी में जोगदेवे। नीति आयोग बैठक में जोगदे कार्यक्रम। अगस्ट 8 ओडिशा फेरिबे। शेषे बर्मिंगहम राज्यगोष्ठी क्रीड़े भारत पर पदक वर्षा। अष्टम दिन में 6 पदक सह भारत को मिली 3 स्वर्ण। कुस्ती में बजरंग साक्षी को स्वर्ण, अंशु को रौप्य 9 स्वर्ण, 8 रौप्य 9 ब्रोंज पदक सह मोट 26 पदक पंचम स्थान में भारत। आसवा पूरा खबर को। उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर सरगरम राजनीतिक माहौल। आज पूर्वाह्न 10:00 रु अपराह 5:00 जाए हेब वोट ग्रहण। निर्वाचन पर समस्त प्रस्तुति चूड़ांत होता बेले एनडीए प्रार्थी जगदीप धनगर और विरोधी दल प्रार्थी मार्गरेट अल्वांग टक्कर। संसदर उभय गृह में सांसद मैंने उपराष्ट्रपति निर्वाचित करेंगे। आज वोट ग्रहण शेष होगा पर संसद भवन में वोट गणति हो। संसदर वर्तमान शक्ति हो 788 जो केवल बीजेपी 394 सांसद अच्छा। जितवापी 390 रु अधिक वोट आवश्यक। तेणु एनडीए प्रार्थी जगदीप धनगर विजय सुनिश्चित। सेपटे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानाजी नेतृत्वाधीन तृणमूल कंग्रेस निर्वाचन मतदान प्रक्रिया निवृत्त रहा घोषणा कर जहांफल विरोधी प्रार्थी मार्गरेट अल्वांग वोट संख्या कम। बाबद अधिक सूचना पर आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी होती। गगन, आज उपराष्ट्रपति निर्वाचन रंग कौन लगुच खास कर एनडीए प्रार्थी को केते सपक्ष रे वोट आसी पारे? निश्चित भाव चिन्मयी गोटे प्रकार विजय सुनिश्चित रही कहले अत्युक्ति हम ना कहीं जी भोटिंग परसेंटेज को आप बर्तमान जी उभय लोकसभा और राज्यसभा भोटिंग परसेंटेज देखले बर्तमान 59% अलरेडी एनडीए पाखे बहुमत रही 51% हेले विजय हासिल करेंगे और बर्तमान संख्या देखिए राज्यसभा लोकसभा सांसद इन टोटल संख्या देखिए 780 और 462 वर्तमान सांसद रही एनडीए सपक्ष में। जमी कहते टीएमसी वर्तमान बयकट कर टीएमसी वर्तमान भोटिंग में सामिल होने बीजेडी कहतु वाईएसआर कांग्रेस कहतु एआईडीएमके कहतु एमती जो आंचलिक दल रही समर्थन देते एनडीए प्रार्थी को। तेणु एनडीए रो 59% रोचे ता बर्तमान 64% 65% पर्यंत वोटिंग हेब जगदीश धनखर समर्थन में। अंपटे जी आप देखिए इन टोटाल यूपीए वर्तमान संख्या आप टोटाल जी 780 भितर 141 जन सांसद रोच यूपीए कांग्रेस समर्थित प्रार्थी मात्र 18% वोटिंग रोचे हाथ में और अदर जो अं आंचलिक दल रही इन टोटाल 177 जन सांसद रोच 780 जन सांसद मध्य 23% वोटिंग रोचे जो मार्गरेट रही यूपीए प्रार्थी समर्थन में। जदि अदर भी सब आंचलिक दल भी जदि समर्थन दिखती ता भी विजय हेब ना यूपीए समर्थित प्रार्थी को। तेणु विजय सुनिश्चित जमी आम राष्ट्रपति निर्वाचन में कहते ये हुए तो सांकेतिक निर्वाचन हम भोटिंग हम कि द्रौपदी मुर्मू का विजय सुनिश्चित था आहरी स्पष्ट हो जा बर्तमान जगदीश धनखर कहीं से 0.5% भोटिंग स्पट्ला कि एक्सेस अच्छी
तेणु गोटे प्रकार विजय सुनिश्चित केवल ये सांकेतिक निर्वाचन हम जेहेतु विरोधी दल हिसाब से प्रार्थी देते तेणु भोट पड़ कितु विजय सुनिश्चित और लोकसभा जी आप संख्या देखिए एनडीए रख्या 349 रही राज्यसभा भी आप संख्या देखिए एनडीए रंसद संख्या 113 रही राज्यसभा जी आप परसेंटेज को जीवे चिन्मयी 48% भोटिंग परसेंटेज रही राज्यसभा से भाव में लोकसभा आप देखिए 64% भोटिंग परसेंटेज रही एनडीए हाथ में कांग्रेस बा यूपीए रे देखिए लोकसभा मात्र 17% बेले राज्यसभा मात्र 21% भोटिंग परसेंटेज से सपक्ष रही तेणु ये परसेंटेज ही बयान करुची जे किए जितिबो किए हारिबो एवं जदि आप देखिए जो 16 जुलाई में जब को एनडीए समर्थित प्रार्थी भाव में घोषणा करता बीजेपी निजर प्रार्थी भाव घोषणा करता परवर्त पर्यायर बीजेपी समर्थन देता किंतु से ही तुलन में 17 जुलाई में जिते मार्गरेट आलवा को यूपीए प्रार्थी घोषणा करता से ही तुलन प्रति समर्थन आसी ना निश्चित भाव भारत संविधान आर्टिकल 56(1) अनुसार आज भोटिंग हे एवं 5 वर्ष से निर्वाचित हे और बहुत अनेक बड़ बड़ लोक ये पदवी पूर्व अलंकृत करगपति राधाकृष्ण कथा कहतु बर्तमान करेन्ट वेंकैया नायडू कथा कहतु के आर नारायण कथा कहतु वि गिरी कथा कहतु अनेक बड़ बड़ भारत लोक जो मैंने ये पदर अलंकृत करश्चित भाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही द्वितीय नागरिक कहुए से राज्यसभा अध्यक्ष हे तेज निश्चित भाव उभय कैंडिडेट चिन्मय जी आप एक्सपीरियंस को जी उभय कई कार्य को कम नुहंती कहुपे दुई जन जाक गवर्नर थे जी मार्गरेट आलवा को कथा देखिए राजस्थान गुजरात उत्तराखंड भली राज्य से गवर्नर भाव में कार्य कर निज राज्य कर्णाटक से मंत्री होती भाव में जगदीप झांकर को जी देखिए कौना कौटी से करेन्टे पश्चिमबंग गवर्नर थे पूर्व से लोकसभा सदस्य थे पूर्व किशनगढ़ सी एमएलए थे और जाट कम्युनिटी से आसुंती तेणु आगामी दिन में 2024 में साधारण निर्वाचन हम चिन्मयी जदि जगदीप झांकर उपराष्ट्रपति होती यार गोटे बड़ भोट बैंक कौटना कौटी बीजेपी को जीव कहीं जेहेतु से जाट कम्युनिटी आसुंच राजस्थान कहतु उत्तर प्रदेश कहतु मध्यप्रदेश कहतु ये जो बेल्ट रही ये बेल्ट रे पूरा भोटिंग परसेंटेज जमी आम देखल जो द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट करने फल जो बड़ ट्राइबल कम्युनिटी भारत पत्र रही से भोट पे कौटना कौटी बीजेपी खाता को जीव बोली बर्तन आकलन कराई भाव में जाट कम्युनिटी भोटिंग परसेंटेज सीधा साल बीजेपी जीव बोली आकलन कराई गगन किंतु गोटे प्रकार विजय सुनिश्चित जहां प्रथम वर्तमान आकलन कर सारी बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपंकर तमाम सूचना दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सहित फोन जोगे जोड़ी होते आज उपराष्ट्रपति निर्वाचन रही से बाबद अधिक सूचना देते आसुची बड़ वर्षा उपकूल मुहां हो दुईट लघुचाप बंगोपसगर में सृष्ट घूर्णिवलय काली सुधा लघुचापर रूप नेब जार प्रभाव में सारा राज्य में तीन दिन धरी प्रबल बर्षिबो एवं वर्तमान मौसुमी निम्न चापरेखा ओडिशा निकटवर्ती अंचल दीघा दे गति करुछि आज मालकानगिरि कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा गजपति गंजाम पुरी जगतसिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा भद्रक में प्रबल वर्षार संभावना रही 7 तारीख में उत्तर पश्चिम पार्श्वर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में सृष्टि हो लघुचाप प्रभाव में राज्य में आज 10 तारीख पर्यंत लागि रहिबो वर्षा 7 तारीख में मालकानगिरि कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा गंजाम गजपति और पुरी में अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होता बेले नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल बौद्ध नयागढ़ खोर्धा जगतसिंहपुर में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी होती तेरे 8 और 9 तारीख प्रबल अति प्रबल वर्षा रहा 9 तारीख में सारा राज्य में भारी वर्षा नहीं आकलन करलकानगि लगा वर्षा जो बना परिस्थिति उपजा नहीं आशंका करणिपाग विज्ञान केन्द्र यापर उत्तर पश्चिम बंगोपसगर में 13 तारीख बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि हो जार प्रभाव में 17 तारीख पर्यंत भल वर्षा हो लघुचाप आसिले मौसुमी सक्रिय हुए सुवर्णरेखा बुढ़ापड़ बैतरणी और महानदी अववाहिकार वर्षा अधिक होगा नहीं आकलन कर अभी मॉनसून फ्लो स्ट्रेंथनिंग हो रहा है 7th का आसपास एक लो प्रेशर और लघुचाप फॉर्मेशन नॉर्थ वेस्ट वे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है तो इसके बाद से अभी ग्रेजुअली रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा डे 2 रे मध्य किसी जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही पाखापाखि 17 जिले में वर्षार प्रभाव 7 से 11 सेंटीमीटर मध्य रहिबार संभावना रहुछि किंतु हेवी रेनफॉल टा आपनकर 7 तारिख रहबार संभावना रहुछि जोटा कि 10 तारिख पर्यंत कंटिन्यू करियो कारण जे जो लो प्रेशर सिस्टम टा फॉर्म 7 तारिख रे सेटा घनीभूत होकर डीप डिप्रेशन रो संभावना रहुछि 9 तारिख सुधा डीप डिप्रेशन होइ पारे किंतु तार मूवमेंट टा रहिबो जोटा कि उत्तर पश्चिम मूवमेंट रहिबो
ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि कविता स्वाई जोड़ी होती कविता जेहेतु वर्षा हेब एवं खासकर क्यों जिले में अधिक परिमाण वर्षा हाँ नहीं बर्तमान आशंका कर देखु चिन्मयी जदि कह पागरे परिवर्तन आसी जो श्रावण मासरे जो वर्षा हवा कथा से वर्षा हो नाला कहीं मौसुमी दुर्बल रही कि मौसुमी गत काल सक्रिय हो कहीं जो घूर्णवल वर्तमान सृष्टि होता घूर्णवलटी वर्तमान सक्रिय रही जार प्रभाव में आज ठू दस तारीख पर्यंत कि स्थान में विस्तारित वर्षा हवा सह प्रबल अति प्रबल वर्षा हवा नहीं आंचलिक पापा विभाग पक्षर सूचना जारी कर चौबीस घंटा मध्य जो उत्तर पश्चिम तथा पार्श्वर्ती अंचल पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में गोटे लघुचाप सृष्टि हो तार प्रभाव में अनेक जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा जमीक आज पाई किसी जिला को ऑरेंज वार्निंग सहित किसी जिला को येलो वार्निंग जारी कर विशेषकर मालकानगिरी में विशेष प्रभावित हो जा बन्या परिस्थिति सेठे उपजी पारे जहाँ आकलन करी कह विशेषकर दक्षिण ओडिशा एवं उपकूल ओडिशा ये लघुचाप प्रभाव रे प्रभावित हेबे एवं जो विभिन्न जिला मानको मध्य अलर्ट करा जाय छी एवं मत्स्यजीवी मानको सात तारीख अर्थात आसंता काली ठारु समुद्र को बारण करा जाय छी एवं जो जहाँ रही तलिया अंचल रे पानी जमीबा सहित कच्चा घर एवं जो पहाड़िया अंचल रे भूस्खलन होबा संभावना रही बोली जहाँ आकलन करा जाय छी एवं जहाँ कहा जाय छी कि आसंता तेरह तारीख बेलू आहुरी गोटे लघुचाप मध्य रही छी जहाँ सतर तारीख पर्यंत प्रबल वर्षा हेबो बोली जहाँ कहा अनेक विशेषज्ञ माने मध्य कहउचंती एवं जदि कहिबा कि जेहेतु छः तारीख माने आज ठारु आसंता दस तारीख पर्यंत किसी जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा एवं किसी जिले में प्रबल वर्षा होबोली जहाँ पाणीपाग विभाग पक्षर कहु विशेषकर मालकानगिरी नवरंगपुर कंधमाल गंजाम गजपति पुरी कटक यह सब जिला गुड़िक विशेष प्रभावित हो प्रबल वर्षा रम्मुखीन होबोली जहाँ कहा कविता बर्तमान चाषी माना ये वर्षा केनुकूल रस कार्य करने निहाती भाव जो मैंने तली पके ना जो चाषी मैंने काम आरंभ कर मानने किसी सुविधा आनीद कह जो खुशी खबर आनीदेव कहवा कहीं मौसुमी जितेबाला दुर्बल रही से आम देखीजे श्रावण मसरे कौ भाई भाव में वर्षा हवा कथा कितु वर्षा से ही परिमाण होने निअंटिया वर्षा हो जो लघुचाप आर प्रभाव में विशेष भाव में वर्षा हे भल वर्षा हे भारी वर्षा हेबी जहाँ कह जदि भारी वर्षा हो भल वर्षा हो तेबे चाषी भाई मानक गोटे भल खबर एटा खुशी खबर कहीं समय तली पकेबा सहित धान कम चाष कम आरंभ हो कविता टे निटिया वर्षा होता राज्यर तमाम जिला गुड़िक मरुड़ी परिस्थिति उपजीला चाषीर तली पड़ी नष्ट होता निश्चिंत भाव ये वर्षा से मानक आश्वस्ति देव बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपण तमाम सूचना राम मंदिर भूमि पूजन दिन में कहीं विक्षोभ कला पोशाक विक्षोभ कर कौन संदेश देवा चाहूँ कांग्रेस कांग्रेस विक्षोभ को नहीं बर्षि केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह गणमाध्यम को प्रतिक्रिया शाह कांग्रेस यहा पक्षर रही एक लुकायित तो एजेंडा सेपटे योगी आदित्यनाथ कहते राम भक्त को अपमान कांग्रेस राम मंदिर भूमि पूजन दिन में कहीं विक्षोभ कला पोशाक विक्षोभ कर कौन संदेश देवा चाहूँगी कांग्रेस राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह को कांग्रेस करुच्ची कि विरोध 2020 अगस्त 5 होता पवित्र राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह 2022 अगस्त 5 कांग्रेस करुच्ची ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट कहीं कांग्रेस अगस्त 5 तारीख में ही करुच्ची विक्षोभ कांग्रेस देशव्यापी विक्षोभ को नहीं केंद्र गृहमंत्री कड़ा टिप्पणी कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टिकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। विभिन्न प्रसंग नहीं देशव्यापी शुक्रवार कांग्रेस पक्ष विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछि हेले कांग्रेस विक्षोभ को नहीं बर्षिछन्ति केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे शाह कहते कांग्रेस पक्ष एक लुकायित एजेंडा अच्छी कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं
मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी एपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन को नहीं कटाक्ष करिछन्ति यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त भली पवित्र दिन में कहीं कला पोशाक करागला विरोध। कांग्रेस आचरण देशव्यापी राम भक्त को अपमानित करिछि बोली कहिछन्ति योगी। कांग्रेस का ये आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। तबे आज दिन में ही 2 वर्ष पूर्वे अर्थात अगस्त 5, 2020 रे राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होता एवं कांग्रेस आज दिन को ही विक्षोभ पाई चयन करछि। ताहा पुणी कला पोशाक पिधि शाह एवं योगी कांग्रेस को टार्गेट करी कहिछन्ति एही दल सूचाई देउछि कि यह राम मंदिर को विरोध करे। रिपोर्ट अर्गस। आसंता काली नीति आयोगर सप्तम काउनसिल बैठक में जोगदेवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नूआदिल्ली विज्ञान भवन में ही बैठक होबार कार्यक्रम रही जो नीति आयोगर समस्त सदस्य मुख्यमंत्री माने जोगदेवे। 2019 जुलाई पर यह नीति आयोग प्रथम बैठक हो जो समस्त सदस्य उपस्थित रहेंगे। बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार सहयोग नहीं आलोचना होबार कार्यक्रम होने प्रधानमंत्री कार्यालय पक्ष सूचना दीजिए। आज 3 दिनिया दिल्ली गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राष्ट्रपति भवन में अनुष्ठित होबाकु थिबा स्वाधीनतार अमृत महोत्सव जातीय कमिटी रे जोगदेबे। एहि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह को समस्त विभिन्न राज्यर राज्यपाल और मुख्यमंत्री माने सामिल होबार कार्यक्रम रहिछि। सेपरि 7 तारीख में प्रधानमंत्री अध्यक्षता में नीति आयोग बैठक बसिबाकु जाउथिबा बेले एथिरे मुख्यमंत्री जोगदेबा नहीं सूचना मिलिछि। यापर अगस्त 8 तारीख पूर्वाह्न रे ओडिसा फेरिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आज बसव परिचालना कमिटर गुरुत्वपूर्ण बैठक। गजपति महाराजा दिव्य सिंह देवों अध्यक्षत सका 10:30 नीलाद्री भक्त नवास में बसव बैठक। श्रीजगन्नाथ महाप्रभु जमी बिक्री संपर्क में आलोचना हो। दीर्घ वर्ष हो महाप्रभु नाम जमी उपरे जो भोग दखल रही किभली पट्टा पाइबे ताहा निष्कर्ष बाहरी पारे। स्नान यात्रा और रथयात्रा परिचालन रे कौन त्रुटि रही सेने बैठक में समीक्षा करा। छड़ा सेवातंक पिलामानंक आदर्श गुरुकुल अग्रगति और सेवक बासगृह योजना संपर्क में आलोचना हो। बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक, पुरी जिलापाल, एसपी, परिचालना कमिटर समस्त सदस्य और श्रीमंदिर प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ए बाबद अधिक आलोचना पई आम सहित जोड़ी होती आम पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी होती। आलोक, बैठक निर्दिष्ट समय केत बस के बैठक में सामिल हे कौन सब आलोचना हो पाए? आपड़ जानते रथयात्रा परिचालना कमिटर प्रथम बैठक आज सका 10:30 टाउन थाना निकट नीलाद्री भक्त नवास अनुषित हम एवं विशेषकर परिचालना कमिटी बैठक की अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बहन करती कारण विभिन्न दिग विभिन्न बिंदु विभिन्न प्रसंग उपर आलोचना हम। आप जानते जो स्नान यात्रा और रथयात्रा गला तार से परिचालन कौन व्यापक त्रुटि रही तारी टेक्निक समीक्षा हम और यह छाड़ा जो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हूँ जो सेवायत पाई जो आदर्श गुरुकूल करो योजना था से योजना केते दूर कार्यकारी हो तारी विशेषकर आज परिचालना कमिटी में मोहर मार आपन जानते आदर्श गुरुकूल सब कमिटी गोटे मीट कर जो मीटरे गोटे आदर्श गुरुकूल सोसाइटी गठन कर जो सोसाइटी में गजपति महाराज स्थायी अध्यक्ष भाव रे से सोसाइटी सहित बिर्ला एजुकेशन फाउंडेसन रमओयू करष्कर्ष होता निष्पत्ति होता
সেই নিষ্পত্তি কেতে দূর কার্যকারী রয়েছে, সেই নিষ্পত্তি কেতে দূর কার্যকারী হয়েছে তার উপরে বিস্তৃত আলোচনা হবা এবং বিশেষ করে মুখ্য প্রসঙ্গ পাল্টিব মহাপ্রভুঙ্কর জমিজমা সমস্যা। আপনার জানিছেন শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্ক নামে যে জমিজমা রয়েছে, যে জমি উপরে লোক মানে বসবাস করছেন এবং দীর্ঘ বর্ষ হব ভোগ দখলে অনেক সেমান নামে কিভাবে স্থায়ী পট্টা করা সে নিয়ে বিশেষ করে আলোচনা করা, কারণ মহাপ্রভুঙ্ক জমিজমা সমস্যা গোটে দীর্ঘ বর্ষ হল লাগি রয়েছে। বিভিন্ন পুরী জেলা কথা কুহতু, পুরী জেলা বাহারে কথা কুহতু, অনেক লোক মহাপ্রভুঙ্ক জমিরে ঘরদ্বার করে রয়েছেন, সেমানে কিভাবে ভাবে পট্টা পাইপারে এবং কিভাবে সুলভ দরে সেমানে মহাপ্রভুঙ্ক জমি কিনি পারিবে এবং বিশেষ করে 2003 র ইউনিফর্ম পলিসি কিভাবে লাগু হয়ে পারিব তার উপরে বিশেষ করে আলোচনা করা যাব এবং মুখ্য প্রসঙ্গ মধ্যে পালিটিব। আপনারা জানিছেন এছাড়া সেবায়ত বাসগৃহ যোজনা বা সেবায়ত আবাস যোজনা, যে কিছুদিন পূর্ব শ্রীমন্দির পাখে বা হরচণ্ডী সাহি মৌজার পাখাপাখি 3 একর জমি চিহ্নট করা যাইছিল এবং তা পরবর্তী পর্যায়ে মাটিমণ্ডপ সাহি জমি চিহ্নট করা যাব, কিভাবে ভাবে গরিব সেবায়ত মানে যে আর্থিক স্থিতি এতটা ভালো নাই বা বাসহীন সেবায়ত মানে কিভাবে ভাবে এই যোজনা উপলব্ধ হয়ে পড়বে সে নিয়ে মধ্যে আজ ব্যাপক আলোচনা করা যাব এবং এছাড়া এজেন্ডারা তো রত্নভণ্ডার খোলা প্রসঙ্গ এবং রঘুনাথ বেশ কিভাবে অনুষ্ঠিত হব এজেন্ডার পরিচালনা কমিটির না কিন্তু বর্তমান সহরের চর্চা হচ্ছে এবং কিছু দিন পূর্ব যা সহরের চর্চা হচ্ছিল রত্নভণ্ডার খোলা যা সম্পর্কের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয়ে পড়ে, যেহেতু দীর্ঘ বর্ষ হব রত্নভণ্ডার খোলা নাই এবং দীর্ঘ বর্ষ হব রত্নভণ্ডার অবস্থা দুর্বল রয়েছে, তো কিভাবে রত্নভণ্ডার খোলা যাবে এবং যে মহাপ্রভুঙ্কর রঘুনাথ বেশ বিশেষ করে 117 বর্ষ হব এই দুর্লভ বেশ অনুষ্ঠিত হয়ে নাই তাহা কিভাবে ভাবে অনুষ্ঠিত হব সে নিয়ে যে সহরের চর্চা লাগি রয়েছে সেই বেশ অনুষ্ঠিত পাই মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় আলোচনা হয়ে পড়ে। সে মোটামুটি ভাবে চিন্ময় বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গজপতি মহারাজ দিব্যসেন দেব বৈঠকের অধ্যক্ষতা করবে এবং শ্রীমন্দির মুখ্য প্রশাসক হুম, পুরী জেলাপাল হুম, এসপি হুম এবং পরিচালনা কমিটির সমস্ত সদস্য উপস্থিত রয়েছে। মোটামুটি ভাবে চিন্ময় বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহন করছে। বিলকুল, বহুত বহুত ধন্যবাদ আলোক আপনার তমাম সূচনা পাই। আলোক আশুতোষ পুরী প্রতিনিধি আমার সহ যোড়িয়ে আজ পরিচালনা কমিটির বৈঠক বসব, সে বাবদরে অধিক আলোচনা করুলে। আসবা খেল সম্পর্কিত খবরকু, কমনওয়েলথ গেমসর অষ্টম দিনের পদক বর্ষা, শুক্রবার 6 পদক সহ ভারত মিছে 3 স্বর্ণ পদক। কুস্তিরে পুরুষ 65 কেজি বর্গরে বজরঙ্গ পুনিয়া ও 62 কেজি বর্গরে সাক্ষী মল্লিক স্বর্ণ পদক পাইবাবে 57 কেজি বর্গরে অংশু মল্লিকু রৌপ্য পদক মিছে। বজরঙ্গ 9.2 পয়েন্টে কানাডার লাচলান মাকলিনকু পরাস্ত করেছেন। রাজ্যগোষ্ঠী ক্রীড়ার কুস্তি ক্ষেত্রে পুরুষ বর্গরে বজরঙ্গ পুনিয়াঙ্ক এহা দ্বিতীয় স্বর্ণ পদক। 2018 সে রাজ্যগোষ্ঠী ক্রীড়ার স্বর্ণ পদক পাইলে, কিন্তু 2014 গ্লাসগোরে অনুষ্ঠিত রাজ্যগোষ্ঠী ক্রীড়ার সে রৌপ্য পদক পাইলে। সেইপর দিব্যা ককরান ও মোহিত গেগ্রাল ব্রোঞ্জ পদক হাসল করেছেন। এই সফলতা পরে ভারতর পদক সংখ্যা 26 পৌঁছিছে। চলিত কমনওয়েলথ গেমসে ভারত বর্তমান সুতা 9টি স্বর্ণ, 8টি রৌপ্য ও 9টি ব্রোঞ্জ পদক হাসল করেছে। বারিপদা খেল পড়িয়ার আন্তর্জাতীয় পড়িয়া, মাত্র গোটিয়ে বর্ষ ভিতরে টার্গেট বল খেলি এভাবে লম্বডিয়া মারিছেন ময়ূরভঞ্জ বারিপদা যুব খেলাড়ি বিকাশ রঞ্জন দাস ও হরিশ্চন্দ্র দাস। হাতি 2021 নূয়করি টার্গেট বল ক্রীড়ার ভাগ নেই প্রথমে উত্তরপ্রদেশ ও পরে হায়দ্রাবাদ খেলি এবে পৌঁছিছেন বাংলাদেশর রাজধানী ঢাকার। সেখানে আয়োজিত এচিভর্স কপ 2022 জিতিলে দেশে বড়ব এই খেলার গৌরব। বারিপদা পাই গৌরব আনিছন্তি হরিশ আউ বিকাশ। টার্গেট বল ক্রীড়ার পারদর্শিতা দেখাই জাতীয় স্তরের কমাইছন্তি প্রসিদ্ধি। প্রথমে ইউপি এবং পরে তেলেঙ্গানার ওড়িশাকু প্রতিনিধিত্ব করে সফল হওয়া পরে এবে আন্তর্জাতীয় ম্যাচ পাই হইছন্তি চয়ন। অগস্ট 4 9 যায় ঢাকায় আয়োজিত আচিভর্স কপ 2022 ভারতকু প্রতিনিধিত্ব করিবা পাই করিছন্তি যাত্রা। ওড়িশার অন্য 2 খেলাড়ীঙ্ক সহিত ময়ূরভঞ্জর বিকাশ দাস ও হরিশ্চন্দ্র হাতি ভারতীয় দলরে সামিল হইতিবার সৃষ্টি হইছি খুশির মাহল। টার্গেট বল আসোসিয়েশন অফ ওড়িশার সম্পাদিকা রাগিণী মিত্র কহিছন্তি জুনিয়র টিমরে ময়ূরভঞ্জর 2 খেলাড়ীঙ্ক সহিত ওড়িশার 4 খেলাড়ি টার্গেট বল এচিভর্স কপরে ভাগ নেবাকু মো সহিত আসিছন্তি। ওড়িশা টার্গেট বল আসোসিয়েশন ঠু আমু নেইকি যাউছি 4টা পিলা আমরো বস্ত করিছু
टार्गेट बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करुच्छी, बीटीए को रिप्रेजेंट करुच्छी बांग्लादेश ढाका रे, विकास रंजन एंड हरीश चंद्र फ्रॉम जूनियर। अंतर्जातीय मैच पूर्वरु चली अभ्यास, साथी खेलाड़ी सहित कठिन साधना करुछन्ति विकास और हरीश। बारजनीय खेलाड़ी मेल में बॉल को लक्ष्यस्थल देखा जोरदार प्रयास हो 2012 भारत जन्मलाभ कर संभावनापूर्ण खेल को विश्वव्यापी कराइबारे फिट इंडिया जो परिकल्पना करथिला ताकु साकार रूप देछन्ति मयूरभंजर एही दुई खेलाड़ी। भारत पाई प्रथम अंतर्जातीय टूर्नामेंट खेलुथिबा विकास और हरीश कहते 2021 प्रथम कर खेल विषय जानलु यूपी तेलंगाना परे एबे बांग्लादेश पड़िया रे खेलिबार सुजोग मिलिछि। आगामी दिन में चैंपियनशिप खेलिबार लक्ष्य रहिछि। प्रथम थरता पई आमे टार्गेट बॉल संपर्क 2021 मसिया रु आमे होछि संस्पर्शरे आसीथिलु। तापरे धीरे धीरे प्रैक्टिस क्रमे होछि प्रथमे आमे नेशनल टीम ओडिशा तरफ खेलिया पई चांस पाइथिलु। तो प्रथम खेल आमे खेलिथिले यूपी रे एवं तापरे आमे जूनियर टीम पई हैदराबाद मध्ये खेलिया पई जाइथिलु। हैदराबाद टीम रो मु अध्यक्षत्व करि हैदराबाद टीम रे आमे ओडिशा तरफ प्रदर्शन करथिले एवं सेठारो होछि मु एवं मोर साथी हरिश्चंद्र हाथी आमे दुई जण इंटरनेशनल पई सिलेक्शन हेइछु। आमे आशावादी अछु जे से भलो प्रदर्शन करि मैच जितिके आसिबा। टार्गेट बॉल भली क्रीडारे गोटे वर्षर संप्रक्ति विकास और हरीश को जीवन रे आनी देछि बड़ एक परिवर्तन। आगामी समय रे सेमानंकर विकास सहित बेस आदृत हेबो एही खेल। मयूरभंज बारीपदारु कैमरा पर्सन हरेकृष्ण पात्र सहित रंजन दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सरिछि प्रथम खबर को एठ रखुछु। नमस्कार।